विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। हम पहुंच गए हैं चुनावी चकल्लस के टीम लेके सीधी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में। वार्ड नंबर 13 के जन जो हैं जे या कहा जाए कि यह लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के देवता हैं तो आम जन हैं, और यह आम जन कहो न कहो सीधी के नगर पालिका के भाग्य के उदय कह सकत है और वास्तव कह सकत है। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और यह दौर जो है बेहद तेज दौर है, सोशल मीडिया के दौर है, और सोशल मीडिया में कोनो चीज़ छुपी नहीं आए। अपना के वार्ड में गंदगी है तो अपना ओका सीधी भर नहीं भोपाल तक पहुँचा सकी थे, महज एक फ़ोटो खींच के और सही माध्यम से ओका डाल के। तो यह दौर जो है बेहद तेज़ दौर है, और यह तेज़ दौर में आज हम ये वार्ड नंबर 13 से या अपने चुनावी चकल्लस के शुरुआत करी लागे। हमारे साथ जो ऐठे लोग बैठे हैं तो पहले तो हम यह जानब कि अपना के का नाम है, यह बताई कि यह वार्ड में आखिर समस्या का है। वार्ड नंबर 13 में निवास करते हैं और लगभग 20 वर्षों से इस वार्ड में रह रहे हैं। पहली समस्या तो आप स्वयं देख सकते हैं कि इस मोहल्ले में हमेशा गंदगी बनी रहती है और आज भी आपके सामने उपस्थित है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, चुनावी जब समय आता है तो यहाँ बहुत सारे लोग वार्ड मेंबर बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन कभी भी लौट के ये नहीं देखने आते हैं कि आपकी क्या समस्या है और क्या चाहिए आपको। हाँ, हम लोग मतदाता हैं, जब जिस समय वोट की ज़रूरत होती है उसी समय वो आते हैं। दूसरी चलिए ठीक है, यह अच्छी बात अपना कहें कि हम पचे जो हैं वोट डाली थे किंतु जेका वोट डाल दी थे वह जो है जीते के बाद दोबारा नहीं रखा है, मतलब एक बेहद बड़ी बात है। यह बताइए कि अपना वार्ड नंबर 13 में रह रहे हैं, समस्या जैसे बताएं कि गंदगी की समस्या है, साफ सफाई में शायद जिला प्रशासन और नगरीय प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, एक अलग अपना का कहा। जब तक अध्यक्ष मुन्नू दादा रहे तब तक सफाई व्यवस्था अच्छी रही, गाड़ी भी आती थी और झाड़ू लगाने वाले भी टाइम से टाइम आते थे, लेकिन जब से जिला प्रशासन खो गया तो गंदगी ज़्यादा इस समय। और अपना ये उद्देश्य है कि इस बार मतलब युवा कोई नेता बने जो कि विशेष ध्यान दे और फील्ड में दौड़ ज़्यादा कर सके। चलिए एक और बात निकल के सामने आई, दूसर मतलब बात की युवा नेता के मांग जो बेबे हम कहीं लगे कि 21वीं शताब्दी के भारत एक ऐसा देश है जहाँ युवन के सबसे ज़्यादा आबादी है और युवा मौका के तलाश में है कि शायद ओका बेहतर मंच मिला है तो वह बेहतर प्रदर्शन हो दिखा सके। और लोगन से पूछे थे कि मैडम अपना यह वार्ड में, पहले तो अपन नाम बताइए अपन। तारा सिंह सोनवंशी जी, यह बताइए कि यह अपना यह वार्ड में रह रहे हैं तो पहले तक का समस्या का है? समस्या सर बहुत गंदगी है, यहाँ हद से ज़्यादा गंदगी है, कोई देखने नहीं आता, ना कचरा गाड़ी आती उठाने। ये गंदगी अबे आई कि ये पहले से ही है, आज की बात नहीं है। पूरे नाली देखिए कितनी भरी है, बदबू आती है, कोई सफाई करने नहीं आता, यहाँ बहुत गंदगी है इस मोहल्ले। शिकायत करी थी अपना पचे? शिकायत करते हूँ, गाड़ी वाला ही नहीं आता है, बताइए इस लाइन में। अपना के पार्षद से शिकायत करी थे, कैसे करी थे अपना पचे? हो गया पार्षद, अभी तो कोई इधर है ही नहीं है तो किससे करें भैया? नहीं तो मतलब जब रहे तो वह अभी हम लोग मतलब कोई आता ही नहीं तो हम क्या बताएं भैया, इस साइड में आते ही नहीं पार्सल लोग, वो कभी आते नहीं पटेल भैया इधर। हाँ तो नहीं, यह बताइए कि जैसा अभी भैया कहें कि युवन का मौका दे जाए चाहिए, मतलब जे आज करे चाहत हैं जे के अंदर कहो न कहो जनता के प्रति एक आस्था है, विश्वास है, तो उनका एक खातिर अपना का कहा कि काम मौका दिन जाए चाहिए युवन का कि नहीं? दीना जी जे चाहना कहे नहीं चाहिए, सबको चाहिए, एक बार खड़े होने का सबको मौका देना चाहिए भाई, देखें कैसे कर सकता है वो आदमी, इस मोहल्ले की सफाई रखता है, आस पड़ोस की देखे, अपनी बस मत देखे, सबकी देखे। निश्चित तौर पर यह बेहद बड़ी बात यह निकल के सामने आ रही है कि युवा का मौका दिन जाए, युवा यदि मौका मिलत रही तो ऐसा नहीं आए कि अपने जो एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, वह एक वार्ड के बेहतरी में उपयोग कर सकते। भैया अपना क्या नाम है? गुड्डा। गुड्डा भैया ये बताइए कि अपना ये वार्ड में रह रहे हैं का समस्या का दिखा थी, प्रमुख समस्या का है? नहीं तो अपना यह बताई, नहीं तो अपना देखत तो हो अपना वार्ड में निकले कढ़े कुछ देखी थे? नहीं, हम रिवा गए ना, ये चल रही है। अपना बताई भैया। मामा राम सिंह जी, तो यह बताई वार्ड में का समस्या का ही, का शिकायत थी अपना पचन? हमारा शिकायत यह है, मान ली कि पगड़ी पगड़ी पगड़ा बनाए रही थी, हमारे सब गिरा दे थे, मान ली परेशानी है, भाजी साजी लगाए थे वह सब नगर पालिका वाले आके गिराए दे थे, मान ली यह समस्या है, कहाँ बताए? नहीं तो ये बताइए, यहाँ बिजली मतलब पानी के, रोड लाइट के बेहतर व्यवस्था है, सड़क में रहा थी?
रहा थी थोड़ा बहुत रहा थी मान ली। हाँ गंदगी है, ये गंदगी टरती नहीं है मान ली। तो संतुष्ट हैं का मन से जो पीछे अध्यक्ष रहे पार्षद रहे इनके पचन के कामन से? हाँ पहले रहे ठीक रहे, मुन्नू सिंह रहे हैं तो ठीक रहे हैं, शायद कुछ पता नहीं चले मान ली। चलिए बात यह है कि मतलब कहो ना कहो लोग जिला प्रशासन के काम से संतुष्ट नहीं है ही, और सवाल यह है बेहद बड़ा है कि कहो ना कहो आम आदमी के सुविधा खातिर यह सारी व्यवस्था है, किंतु वह आम आदमी परेशान है। परेशान ऐसे है कि वह सुविधा के नाम पर टैक्स देते है, कहो नगर पालिका का अपन हाउस टैक्स देते है, किंतु ओका बेहतरी नहीं ओका मिल रही है, पानी की बेहतर व्यवस्था नहीं है और सड़क में रोड लाइट नहीं है, और यहाँ तक स्थिति है कि गंदगी के अंबार लगा है। भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता की बात करते हों, किंतु हालात यह है कि यह स्वच्छता केवल कागज में दिखाई रही है, जमीनी हालात बेहद उलट है। हम पूछो का अपना का नाम है, वो अपना का कहे चाहिए, तो पहले तो समस्या के बात की जाए। मेरा नाम है जीवन सिंह चंदेल सिब्बू। समस्याएं बहुत हैं, समस्याएं सबसे बड़ी जैसे आप दीदी ने बताया कि गंदगी, गंदगी का ये आलम है कि आप शिकायत भी करते हैं तो उसके जब तक आप मुख्यमंत्री ऑनलाइन सीएम हेल्पलाइन पे नहीं करते शिकायत, तब तक सफाई कर्मी नहीं आते, नालियों की सफाई नहीं होती। नाली की सफाई कर्मी आते हैं अगर नाली साफ करने तो उस पर वो पैसा मांगते हैं। दूसरी चीज़ें जो अव्यवस्थित हैं, पिछले 10-15 साल से ये पार्क जहाँ हम लोग बैठे हैं अभी, ये पार्क प्रस्तावित है लेकिन इसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, सिर्फ इसमें कचरा फेंका जाता है, चारों तरफ गंदगी का अंबार है। कुछ सरकारी योजनाएं थीं जहां नाली बननी थी, आज तक नाली नहीं बनी, सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं, बत्तियां नहीं हैं, लाइट बिजली की व्यवस्था के लिए जो सड़कों पे जलती हैं, बस्तियों में जलती है, जैसे कोल बस्ती है यहां पे, वहां हैंडपम्प अगर ख़राब हो जाता है तो उनको कम से कम 15 दिन नगर पालिका के चक्कर लगाना पड़ता है, या किसी स्थानीय व्यक्ति के 2-3 बार तो मैं ले जाके बनवा चुका हूँ। तो अभी क्या है कि कोई सुनने वाला नहीं है, और अब हम आगे देखते हैं कि जो अगर व्यवस्थाएं सुधारने के लिए तो हमें ऐसा ज़मीनी व्यक्ति चाहिए, कोई युवा चाहिए जो ज़मीन के पहले इस स्तर पे कहीं ना कहीं कुछ काम किया हुआ हो सामाजिक, उस पर है ना, और वो ये जानता हो कि सामने वाले की पीड़ा क्या हो सकती है, उसकी व्यथा क्या हो सकती है ना। कोई निराकरण नहीं कर सकता पर कम से कम 2 कदम साथ में चलने वाला व्यक्ति चाहिए हमें। तो कोई युवा अगर हमारे साथ आता है, कोई समाज सेवी, ऐसा समाज सेवी जो समाज के हर वर्ग से कहीं ना कहीं जुड़ा हो, किसी भी परिप्रेक्ष्य पर जुड़ा हुआ हो और हर तबके के साथ उठता बैठता या रहता हो, क्योंकि अभी जो पद की लालसा है सिर्फ एक महत्वाकांक्षा रह गई है लोगों में कि हम वहाँ पे बैठ जाएं, है ना, हमारे गाड़ी में ये नंबर लिखा जाए कि हम ये हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि नीचे स्तर पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उनकी शिकायतें निराकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात यह है कि मौका मिले चाहिए और मौका व रूप में मिले चाहिए जे ये काम करे चाहत है, ऐसा व्यक्ति का नहीं जे केवल नाम फेम खातिर मतलब अपन प्रतिष्ठा खातिर या चुनाव लड़े चाहत है, किंतु यदि ऐसा व्यक्ति जो काम करे चाहत है जो उन जमीन से जुड़ा है तो निश्चित तौर पर कायाकल्प करे में बेहद महती भूमिका निभा सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिशिर हैं, अपना वार्ड क्रमांक 13 में रहते हैं। डॉक्टर शिशिर का है स्थिति का है काहे की स्थिति पूछ ले अब स्थिति चुनाव के चुनावी चकल्ला सा स्थिति के कर हुई स्थिति इधर की सीधी में क्रांति है और सीधी में महापरिवर्तन हुई इधर की जो परंपरागत राजनीति है सीधी को बदले वाली है या हम निश्चित रूप से कह लाए और जो परंपरागत राजनीति सीधी नगर पालिका बने के बाद जो सीधी के नगर पालिका चंद सीधी के चंद पूंजीपतियों पैसा वाले के गुलाम है वह इधर की मुक्त हो चाहिए और जो गरीब आदमी जो छोट आदमी है जेखा छोट छोट समस्या आई जब इन पचे वह नगर पालिका जाते हैं तो पचे पाँच टन 10-10 टन के ऐसी बैठ रहा थे और यहाँ जनता हाथ जोड़े खड़ी रहा थी और भगा दिन जाते हैं उनसे ही ना कोहू का राशन मिला था समय पर और जो पानी के जगह है सबके घरे घरे पाइप भर बिछाई हैं पानी कहूँ नहीं जाता है। अपना अपना सिब्बू भाई कुलान बस्ती की बात करते रहे हैंडपम्प, यह बताइए हम अपना हैंडपम्प जाए थे इनके खातिर टंकी बना के पानी की सप्लाई नहीं हो सकती है ना होगी ना, ये 5 स्टार में रहने वाले लोग सीधे के विकास करी जब तक जनता जागृत न हुई सीधे महापरिवर्तन के बात न करी क्रांति के बात न करी आम आदमी का जो समस्या में रहा हो समस्या जानत हो ओखर बात न करी तब तक कुछ नहीं हो पाती है। सिर्फ दलाली चला थी लाइट के बाद चलत रही स्ट्रीट लाइट हमारे घर के समूह जली है जब बना थी लागत थी जुगजुगा लागत थी कहे टेंडर प्रक्रिया सही नहीं आए वो भ्रष्टाचार होता है 10 रुपये का बल्ब लगावा जाता है 500 बतावा जाता है अपने नाते रिश्तेदारन का ही और अपने पूंजीपतियन के लोगों ने टेंडर दिन जाता है
जनता का ये चीज़ बताई पड़ी। परंपरागत राजनीति बदल चुकी है, क्रांति की बात हो चाहिए, बदलाव की बात हो चाहिए, घिसी पिटी राजनीति अहिंसा पचन के चक्कर मार रहे हैं जनता। ऐसा ये जौन रेहड़ी पट्टी वाले हैं फुल्की वाले बेचारे इनका इलाज मार के भगा दिन जाता है, दस दस बीस बीस रुपया रोज इकट्ठा किन जाता है, केके खातिर होती। हम तो लोकतंत्र में पढ़े रहने के लोकतंत्र में जनता मालिक होती। ये पाँच साल में एक बेर आवत हैं हाथ जोड़ थे हम आप जिनका ही मूर्ख बना के चले जाते हैं, अब पाँच साल बाद हम पे हाथ जोड़ी थे और खड़े नहीं हो। या तो संविधान गलत है या तो प्रक्रिया गलत है, दोनों चीज़ सही नहीं हो सकती है। निश्चित तौर पर अपना के कहा बेहद उचित है कि कहों कहों जो व्यवस्था जो कहा जाए इंतजाम खातिर या पूरा चुनाव होते है एमा जो है वार्ड मेंबर होते हैं अध्यक्ष होते हैं पूरी एक कार्यकारिणी होती जो एक जिला का जिला के शहरी क्षेत्र का विकसित करें कि इनके पास पूरा प्लान हो चाहिए, किंतु हालात यह हैं कि केवल कागजी स्तर तक सुधार होता है और कागज में जो है पैसा चला जाता है किंतु जमीनी हालात बेहद उलट होते। निश्चित तौर पर अब चाचा अपना बताई का नाम लिखी थे अपना वो अजीज खान। अजीज भैया यह बताई कि अपना का समस्या का ही यह वार्ड में? यह वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है जब से ये मेन रोड बनी है, पाँच साल के अंदर एक बूंद पानी वार्ड के अंदर नहीं आता है, जबकि दक्षिण करौंदिया में पानी टंकी बनी हुई है। ये रोड के कारण पूरी पाइप लाइन उखाड़ दीन गए, नगर पालिका आजो बिल भेजा था तो ना अध्यक्ष ध्यान दीन, आज पाँच साल से बना तैयार रोड गया तो ना अध्यक्ष ध्यान दीन ना पार्षद ध्यान दीन, और गंदगी के मामले में कोनो बातें नहीं है। या ये जो रोड नाली के ठेका है जौन ठेकेदार लय है तो रोड बंद गए, मोहल्ला वाले फिर के एक किलोमीटर घूम के निकला था, रोड नहीं बन रही है, यह सबसे बड़ी समस्या। तो यह बताइए यह समस्या के समाधान के हाथ में? यह समाधान कलेक्टर के हाथ में है, अब नगर पालिका में अध्यक्ष चाहिए नहीं है कि अध्यक्ष का कहा जाए। अबे तो विधायक हैं सांसद हैं तो यूं तो इन्हों का वोट यहीं की जनता देती ना। विधायक जी जब वोट मांगे करा तो हाथ जोड़ के सबके सामने आए रहे और जब से वोट माने ले के जीत के गए तो एक बात जो उन्हें तो आज तक शकल नहीं दिखाए, सात सात महीना लॉकडाउन लगे बा कि हमारे मोहल्ला के पब्लिक का करती कैसा नहीं मर रही कि जी रही कुछ नहीं बोले ना आवे भी आज तक तकल दिखावे विधायक यहाँ के सीधी के केदारनाथ शुक्ला। तो हमार कहा मतलब यह है कि माने तो प्रशासन बदले चाहिए और कलेक्टर और जो अभी प्रमुख माने मैन टाइम मालिक है तो उनका ध्यान दे चाहिए कि साफ सफाई रोड का तो विशेष ध्यान दे चाहिए, और पानी बिना लोग मर रहे तो पानी के भी ध्यान दे चाहिए। पानी टंकी हमारे मोहल्ले में बनी है, है दक्षिण करौंदी हम पानी टंकी है लेकिन पानी का लोग तरसते। निश्चित तौर पर बेहद बड़ी दर्द भरी बात, ऐसे हम ये बात का कहा का है कि देखिए एक सिस्टम के हम बात करी नगरी शहरी विकास के यदि जिम्मेदारी देखा जाए तो जरूरी नहीं कि केवल नगर पालिका के हैं, वह नगर पालिका के वोटर विधानसभा में वोट करते हैं, वह नगर पालिका के वोटर लोकसभा में वोट करते हैं और वह नगर पालिका के अध्यक्षों चुनाते हैं, तो वह बेहतरी खातिर वह इतना देता है किंतु ये तीन चार जने जो सार्वभौमिक पद में बैठे वो केवल और केवल सिर्फ लोगन का जो है मायूसी दे रहे हैं। यह मैं जो खुद बोल रहे हैं लोग कि बताइए हम पचे लॉकडाउन के पीरियड में विधायक नहीं आए, अन्य लोग नहीं आए जो वोट मांगे आबत है, तो हम तो सबसे सवाल पूछा भी है कि का जनता केवल वोट खातिर आए? आखिर जनता के दर्द से सियासत को करी, उनके दर्द में मरहम को लगाई, एकर इंतजार है जनता केवल वोट न हो। चली बड़ी बढ़िया यह चुनावी चकल्लस चल रही ही, यह दौर बिल्कुल सज चुका है। हमारे साथ भैया आए हैं, अबे भैया का नाम लिखी थे अपन? मंसूर आलम। मंसूर भैया यह बताइए कि का समस्या ही वार्ड नंबर 13 में हैं हम, काहे कि ये साफ सफाई की स्थिति तो दिखाती लागी, तो आऊ कुछ अलग बताई जो शायद हम जनता के सामने हुक्मरान जो अपने आप का स्वयंभू नेता बनाए हैं कि हम जनता के रक्षक हैं, सलगा इंतजाम करी थे तो उनके कानन तक यह जानकारी पहुँचे कि आखिर यह में हमारा जनता रही रही। समस्या बहुत गंभीर है साहब, यहाँ तो झाड़ू लगाना क्या, ये मैदान है बच्चों को खेलने कूदने का, मुन्नू सिंह देवन जब बनाए थे ये बताइए कि यहाँ झूलना उलना रखा था, कचरा फेंकते हैं, पानी बहाते हैं यहाँ बीच में और बच्चे खेलने कहाँ जाएं मैदान में, ना स्वीपर आता झाड़ू लगाने बोलता है चार बज गए हम नहीं लगाएंगे, हमको जितना टाइम दिया गया था उतना ही लगाएंगे हैं, और ये सामने का पूरा दूरा गंदा रहता है, स्वीपर से बोलो झाड़ू लगाने, कहता ये हमारा वार्ड नहीं है हम उस लाइन के हैं,
नहीं पानी, पानी, पानी के और लाइट स्ट्रीट लाइट वगैरह स्ट्रीट लाइट भैया कहे हम ही तो जाते हैं कंप्लेन लिखाने। हाँ। एक बार नहीं तीन बार कंप्लेन लिखते हैं, आप देख लीजिएगा 48 नंबर है 94254 35 448। यहाँ तक कि पीछे की नाली भी हम तीन चार बार कंप्लेन लिखाते हैं तब जाके स्वीपर आते हैं साफ करने। यहाँ 150 रुपये दो तब जाके स्वीपर साफ करते हैं। हाँ, आठ साल से बड़ी गंभीर समस्या है 13 वार्ड की। जब से राजकुमार पार्षद बने वो तो देखने ही नहीं आए। स्ट्रीट लाइट खराब होती है हम खुद जाते हैं कंप्लेन लिखा, यहाँ तक 10-20 रुपये राजश्री का भी देते हैं तब जाके लाइट बनती है। हाँ, अब यह स्थिति है तो मतलब यह शिकायत अपना विधायक जी या फिर अन्य कौन नेता लोगों से नहीं करें। विधायक जी के पास जाओ तो मिलते ही नहीं है, पता चलता है कि वो पूजा कर रहे हैं कहीं गए हैं। अब इतना ही है कि आदमी नगर पालिका जाता है परिहार साहब से या मगलेश्वर से थोड़ा बोल देता है तो कहते हैं हाँ भैया आप नंबर है लगाओ। नहीं तो ऐसे संतुष्ट हैं कि मतलब अब जऊ में काम हो रहा है नहीं संतुष्ट नहीं है। नहीं है तो अब का बदलाव का करे चाहिए कहीं मौका एक ही बेमिलत है। देखिए 5 साल का फिर से हम पचे फंसे वाले हैं। हम पचे ऐसे कही ला है कि हम जो है नगर पालिका के वोटर हैं तो वोट दे के हमारा अधिकार है किंतु एठे यह बात करब हम कि यह बताइए 5 साल का पूर्ण फंसे वाले हैं तो अब का दिमाग में सोच के आगे बढ़ब। अब दिमाग में यह सोच के आगे बढ़ब कि भाई जो हमार समस्या है समाधान करी तो ठीक है और नहीं तो फिर वोट वोट दारत के दर की तो उसल का कह दे ही कि हम यहाँ कह दे वहाँ कह दे सफाई कह दे सब कह दे। वोट खाती तो 15 लाख रुपये मोदी कह रहे हैं वह कहीं जुमला ना रहा है। हाँ, तो नहीं मतलब आगे जुमले में चले का है। अब जुमला है कहा है ससु के मतलब ये समस्या खत्म ना हो। जनता त्रस्त है भाई, नल ही नहीं आता, एक दिन नल आएगा 15 दिन एक महीना नल नहीं आता, पता चलता मोटर चल गई सतना बनने गया। नहीं तो समस्या खत्म हुई कि ना हुई? हमको तो नहीं लगता खत्म होगी इस राजकाज में। हाँ, नहीं खत्म कब हो जीवन भर न हुई। अब जनता जब एकजुट जनता संगठित वो नहीं होगी तो कहाँ से होगा भाई। यहाँ कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है, सब अपने अपने में मस्त है, कोई कुछ करना नहीं चाहता। अपना की का सलाह है कि कौ में उम्मीदवार हो चाहिए अध्यक्षी खातिर और कौ में उम्मीदवार अपना के वार्ड के पार्षद खातिर? यह चाहिए कि हमारे वार्ड के भाई जो एक निम्न तबके के लेके बड़े तबके जो भी छोटी बड़ी समस्या है कभी उनके दरवाजे जाए तो मिले भाई आपकी क्या वो है और बाकायदे उनकी समस्या सुना जाए। भाई आज दो दो महीना लाइट पानी नहीं आवा थे बताई भाई हमारे यहाँ तो बोर है चल जाइ है और बोर है चल जाइ इनके गरीब वाले के नहीं आते हम 50 सटक दई थे पानी दई थे पिए का 10 बाल्टी 20 बाल्टी। चलिए निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात यह है कि जो जनता अपन भाग्योदय का सोचा थी कि पाँच सालन में चुनाव की इंतजार करा थी कि मौका मिली और वह चुनाव में हिस्सेदार बना वो हुआ। चुनाव के बाद कहो न कहो हमारी तस्वीर और तकदीर बदली किंतु हालात यह है कि फिलहाल 8 साल से मंसूर भाई की तकदीर नहीं बदली। अब आगे जो है उम्मीद है कि शायद उनके मन के प्रत्याशी हमें जनता के मन के प्रत्याशी हमें और उनकर दिल के बात सुने दिमाग के बात सुने और क्षेत्र के और मतलब वार्ड के अच्छा विकास हो। यह बताइए कि भैया अपना क्या नाम है? अरुण सिंह। अरुण भैया यह बताइए कि वार्ड में पहले समस्या का है का लागत है अपना का समस्या है देखात का है? अब सीधी के नगर पालिका की समस्या अपना पंचन से भली प्रकार से वाकिफ है। पूर्व अध्यक्ष मुन्नू दादा रहे तो अधिकारियों पर कुछ दबाव रहा, कुछ रोड वगैरह हमारे बार्डन में भी हैंडपंप वगैरह भी, लेकिन व्यापक जो विकास चाहिए जो लोग उम्मीद करे रहे इधर की संतुष्ट नहीं है। लेकिन हम चाहे थे कि जो नया कैंडिडेट हो तो इतना युवा ना हो कि वो सीखता रह जाए प्रशासनिक मैं जब तक दबाव नहीं रहा है तब तक प्रशासक लोग काम नहीं करते। इस समय प्रशासक है हमारे द्विवर्षन से इस बाढ़ में इतना कचड़ा है कि साथ दो चार ट्रक कचड़ा एक एक मोहल्ला में है तो हम पूरे नगर पालिका के बारे में सोची है मेरे तो हर जगह हुई तो यानी प्रशासक अपने स्वार्थ में रहे आवा था तो हम चाहे थे कि कौनो ऐसा चेहरा का टिकट मिले कौनो दल में हर दलन में ऐसा चेहरन का टिकट मिले जो प्रशासन करे जाना अपने अधिकारी से काम करवा सका और सीधी के विकास का आगे बढ़े। वर्तमान में दुखद हम कलेक्टर महोदय और प्रशासक तहसीलदार महोदय से निवेदन करे चाहन कि कबो उत्तर अपना दक्षिण करों दिया गोपालदास रोड का निरीक्षण किया जाए, नाली ठेकेदार द्वारा खन दिन गा है
अब मोहल्लन में आवागमन के इतनी असुविधा है कि शायद हम यह 10 साल में नहीं देखें जितनी सुविधा इन 2 साल में भा है। तो इस समय कलेक्टर महोदय और तहसीलदार महोदय प्रशासन महानगर पालिका का उनका ध्यान दे चाहिए। उम्मीद हम करी थे कि हमारे वार्ड में और हमारे दक्षिण करौदिया में अपना के द्वारा मीडिया के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई और वार्ड नंबर 13 की सफाई और नाली जौन रोड किनारे खनी है लोगन का आवागमन का सुविधा है ये अपना का 4-5 महीनों से तो उसका पूर्ण करवाई। निश्चित तौर पर यह बात अपना के कहब है कि कौनो ऐसो इतनो युवा कना दे दिन जाए कि जो सीखते रह जाए मतलब अध्यक्षी के या दौर में मतलब का है कि देखिए भाजपा से जो हमारे पीछे ये पोस्टर देखा तो यह पोस्टर माँ साफ तौर पर दिखात हो ही कि भाजपा से डॉक्टर अनूप मिश्रा गुरदत्त शरण शुक्ला जितेंद्र सिंह और बद्री मिश्रा ये सोशल मीडिया के चेहरा आई और कांग्रेस से देवेंद्र सिंह मुन्नू लालचंद गुप्ता ज्ञान सिंह और कमल कामदार तो मतलब ये चेहरन माँ मतलब अब लोग जो है कुछ कहो न कहो अंदर खाना यह चर्चा करे लागे कि एक ऐसा मतलब अनुभव का दिन जाए अनुभवहीन का ना दिन जाए कि वह सीखते रह जाए। यह बेहद बड़ी बात है कि अब सीखे के वक्त नहीं आए अब संहारे के वक्त ही तब संहारे वाले व्यक्ति का मिले तो उसे कहा है कि कुछ ज़्यादा बेहतरी हो पाई। हम जो है और अन्य लोगों से सोची थे कि कम समय में ज़्यादा लोगों से का नाम लिखी थे कौन वार्ड से हैं का समस्या है। राहुल शुक्ला एडवोकेट नाम है हमारा वार्ड नंबर 13 में निवासी हूँ मैं। देखिए आदरणीय तिवारी जी ये जो नगर पालिका का चुनाव होता है ये स्थानीय निकाय का चुनाव होता है ये हमारे घर का चुनाव होता है और इसमें जो हम प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं जिसको हम चयनित करते हैं तो हमको ऐसे व्यक्ति को चयनित करना चाहिए जिसको हम ये मानते हैं कि ये हमारे घर का व्यक्ति है। अपने घर के जैसे व्यक्ति को ही चयनित करना चाहिए क्योंकि अभी हमारे बड़े भैया ने कहा कि पद की लालसा तो सभी को है। जीवन सिंह शिबू ने कहा कि पद की लालसा सभी को है सब चाहते हैं कि हमारे बोर्ड में अध्यक्ष लिख जाए हमारे बोर्ड में पार्षद लिख जाए लेकिन हम उस व्यक्ति को चयनित करें जो उस योग्यता को धारण करता है। आप देखें गंदगी की समस्या सर्वविदित है क्योंकि वो सबको दिख रही है। उसके अलावा कुछ समस्याएं ऐसी हैं जैसे विधवा पेंशन हो गई विकलांग पेंशन हो गई वृद्धा पेंशन हो गई हम उस व्यक्ति को नॉमिनेट करें जो हमारे अगर कोई 80 साल का व्यक्ति है वृद्धा पेंशन पाने की पात्रता रखता है लेकिन 80 साल का वृद्ध व्यक्ति नगर पालिका तक नहीं जा सकता है तो हमारा जो प्रतिनिधि है कम से कम वो हमारे फार्म को ले जाकर नगर पालिका तक पहुंचा दे कि हमारे वार्ड की ये महिला विधवा हो गई है हमारे वार्ड का ये व्यक्ति वृद्ध हो गया है हमारे वार्ड का ये व्यक्ति विकलांग हो गया है इसको विधवा पेंशन दी जाए इसको विकलांग पेंशन दी जाए। कोई विधवा महिला दर दर भटक रही है आप जानते हैं शासन की योजना में विकलांग व्यक्ति को खाद्यान्न दिया जाना है वृद्ध महिला को खाद्यान्न दिया जाना है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्ति को खाद्यान्न दिया जाना है अनुसूचित जाति का जो व्यक्ति है उसको ये पता नहीं है कि मुझे जाति के आधार पर खाद्यान्न मिल जाने की पात्रता है तो जो हमारा प्रतिनिधि व्यक्ति है कम से कम वो तो उस बात को ले जा करके रखे कि मेरे वार्ड का ये व्यक्ति अनुसूचित जाति में आता है मेरे वार्ड का ये व्यक्ति विधवा है ये विकलांग है इसको खाद्यान्न की पात्रता है इसको ये लाभ दिया जाना चाहिए। गंदगी की समस्या तो सर्वविदित है वो सभी को दिखाई नहीं तो मतलब बुनियादी जरूरत जैसा तो सड़क बिजली पानी कलई की बनाई ये बात करत है यह तो समस्या ही है यह तो सब जग जाहिर है कि कहो न कहो जनता जो दर्द में मरहम लगावे खातिर जनप्रतिनिधि का चुना थी तो वह केवल और केवल जो है दर्द बढ़ावे के काम कर रहे हैं मरहम तो दूर दूर तक नहीं है। ये देखें कि गोपाल दास जो मुख्य मार्ग है मुख्य मार्ग के दाई तरफ जो नाली का निर्माण किया गया है कहीं पर भी नाली को ढका नहीं गया है उस नाली में अगर कोई भी बस गिर जाए कोई भी गाड़ी गिर जाए कोई भी गाय गिर जाए तो उसकी मृत्यु हो जाना 100% कन्फर्म है। नहीं तो एकर नहीं एकर का बात तो अपना बचे अपने नेतन से नहीं कही मतलब हम पंचे कही थे ऐसा नहीं है हम पंचे कही तो नहीं आए हम पंचे यहाँ तक कर रही थे कि नगर पालिका के जो कर्मचारी आया था अभी हमारे बड़े भैया ने कहा कि हम लोग अपने पैसे से खुद के पैसे से देकर नगर पालिका के व्यक्तियों को मतलब ये कहते हैं भैया तुम साफ कर दे पैसा हमसे ले लें ये हमें कंडीशन है तब जाके कहा बार बार कहे के बावजूद वो मतलब आवत हम साफ सफाई करा था हम पंचे पैसा दे थी वो पैसा के हम पंचे कहा उल्लेख नहीं करी था
को बतावे नहीं जाता है। लेकिन ये जिम्मेदारी पार्षद के आए, नगर पालिका के आए, एक ठे विधायक के आए, सांसद के आए कि मतलब कौन कौन सार्वजनिक समस्या के समाधान। आप ये देखें कि अगर आज किसी व्यक्ति को एक सजरे की जरूरत पड़ जाए, सजरा होता है किसी जो कि बहुत आवश्यक चीज होती है, तो एक सजरे की आवश्यकता के लिए उसको कम से कम 10 बार भटकना पड़ेगा तब जाकर शायद उसको कहीं एक बार सजरा मिल पाएगा। तो हम ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें कि ये वार्ड जो है ये हमारा घर है, अपने घर में हम घर के व्यक्ति को नियुक्त करें कि अगर हमको आधी रात को जरूरत पड़ जाए सजरे की, आधी रात को जरूरत पड़ जाए उसके साथ की, उसके सहयोग की, तो वो हमको उपलब्ध हो सके। बस यही हम लोगों की प्राथमिकता होगी। यह बताइए युवन के या दौर में जो में संभावित चेहरा है अपना दिखते लागन तो का लागत है को रही मतलब दमदार आदमी जे के दम पर यह माना जाए कि नहीं मौका दिख ले, मतलब एक जैसा कहते आज तो सब जुआ है तो एक बे के माँ आदमी दाव लगावे कि नहीं आगामी दिनों में बेहतरी हो सकत। संभावित चेहरे में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं समाज में अपना स्थान दिए हुए हैं और समाज में अपना समय दिए हुए हैं, तो इसमें से जब तक सारे लोग नॉमिनेट होकर के सामने नहीं आ जाते हैं तो किसी एक व्यक्ति का निश्चित तौर पर नाम लिया जाना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि अपने बीच में जैसे अनूप भैया हो गए, ज्ञान सिंह जी हो गए और जो नए चेहरे हैं उनको आवश्यक रूप से मौका दिया जाना चाहिए और वो लोग मेरा विश्वास है कि काम करेंगे। निश्चित तौर पर यह जो है एक बेहद बड़ी बात है कि मतलब मौका मिला चाहिए और यह मौका माँ कौ में मतलब लोग जो है अपन हिस्सेदारी करी। यह बताई कि अपना ये वार्ड से हैं, हम ये वार्ड के नहीं 10 वार्ड के 10 से आए हैं, तब वो अपना बिल्कुल सटे हैं, अगल बगल हैं, ठीक है, नंबर बदले से केहू के बाद मतलब घर नहीं हमारे वार्ड का विभाजन की नहीं। पहले 13 रहा है, अब 2 टुकड़ों में कहके हमारे 10 कह दीने कहते समस्या का दिखा दी अपना का 10 का उबे कर बात है, उतने समस्या है हमका कौन समस्या है, अपना को दिखाते हैं ये वार्ड क्या है, सूखा पुलिया के ले ली कितने सारे कहाँ नहीं धसी गए भी हमने पता ही नहीं चले। यह बताइए यहाँ एक मिनी स्मार्ट सिटी नाव के कुछ बताए रहे रहन है अपना के दिखे रहे हैं वीडियो में अपना के मुँह से न्यूज चैनल में नहीं तो का कुछ दिखात है दिखात का है वो तो सूखा का तो बांधा लागत जो भरम बंध जाए हुआ। हाँ और बधर जी हमका नहीं लागे बंधर जी। चलिए ठीक है, तो मतलब एक नेता की जिम्मेदारी और जवाबदारी है आए कि जो योजना आम है उसका जो है गतिशीलता प्रदान की जाए और वह गतिशील हो, इससे कहा है कि एक क्षेत्र के एक कहा जाए कि एक नाली नहीं है, जो कहा नाली है तो भरी है, कहीं नाली नहीं है और जो हैया है वह पटी है, ऊपर से गाड़ी निकल रहती है कचरा पटा है कोनो मतलब नहीं है, है ना बीमारी फैला थी गंदगी है। हाँ जी यह अपना का राकेश जसवाल, राकेश भाई यह बताइए कि का समस्या का है। समस्या तो सब बता चुके हैं, नाली पानी बिजली और गंदगी सभी के पास यही समस्या है। लेकिन वार्ड 13 में एक रोड गई है यहाँ से नाग मंदिर से उत्तरी करौंदिया निकालती है, इसमें लाइट की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है और इसमें कई बार क्राइम भी हो चुके हैं, अंधेरा रहता है बस्ती के बीच में, आज तक उसमें लाइट नहीं, खंभे गड़ चुके हैं प्रॉपर तरीके से क्योंकि लाइट नहीं लगा है। यह केकर जिम्मेदारी अपना लगातार किया है जिला प्रशासन, जिला प्रशासन नेता मेंबर तो आज तक देखने नहीं आए हैं कभी नहीं तो आऊ को मतलब जब वोट ले आवत है तो कहा यह नगर पालिका वाले भर वोट ले आवत, वोट वाला तो हो गया जो हो गया था वो तो कई बार हम लोग शिकायत भी किए खंभे गड़ गए लेकिन आज तक लाइट नहीं लग पाई है और समस्या है, समस्या काफी है, समाधान नहीं है, नहीं है। अब का लागत है कि जो स्थिति है मतलब जो हमारे साथ देखी लाए सोशल मीडिया के चेहरा जो भाजपा और कांग्रेस में का लागत है के ऊपर दाव लगावा जाए जो शायद कई के हमार अपना के समस्या दूर करी। अब किसी का नाम तो ऐसे नहीं अभी आया है उजागर हो रहा है, पर जो भी आए तो युवा आए काम करे पढ़ा लिखा आदमी हो, बस यही कहना चाहते हैं। निश्चित तौर पर अब या चुनावी चकल्लस के या आखिरी दौर है और ये आखिरी दौर में हमारे साथ एक जने और जुड़े हैं तो उन्हों से हम जानकारी ले कि आखिर यह बताई कि का है माहौल का है चुनावी चकल्लस के हाल, ये बताई का नाम लिखी थी पंकज पांडे। पंकज भैया यह बताई कि का समस्या का है यह वार्ड में कोनो प्रकार की ऐसा विशेष समस्या नहीं है, रोड दिखते लाइन सीमेंटेड बन गए है, नाली जहाँ अधूरी है तो बनल लाही है, गाड़ी कचरा वाली शाम सुबह ने आवा थी, कोनो ऐसा विशेष समस्या नहीं है, स्वयं जागरूकता करे पड़ा था कि कचरा गाड़ी में बेंकी कूड़ादान में मचकी
ऐसा मचिक दे ही तो परेशानी तो होती नहीं। स्ट्रीट लाइट के जैसा समस्या बताए, इन पानी के समस्या लोग बताए रहे हैं, जो वृद्धा पेंशन है ओकर लोग समस्या बताए रहे हैं, तो मतलब कहाँ ना कहाँ ये समस्या तो है मगर समाधान कहाँ है। बीच में कांग्रेस के सरकार आ गई रही तो वृद्धा पेंशन निराश्रित पेंशन सब बंद कर दे रहे हैं। कमलनाथ के सरकार 32 प्रकार की योजना बंद कर दी। अब शिवराज सिंह आए हैं, सुधार हो रहा है धीरे धीरे, हैं नगरों के विकास हुई या गोपालदास रोड लगभग कंप्लीट हो गए, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहा है, सूखा नाला बाईपास क्लियर हो गया, सीधी शहर बाईपास की बात नहीं है। हम तो यह कही थे कि वार्ड नंबर 13 में लोगों की यह समस्या है कि एक ठीक छोट का मैदान चिन्हित किएगा, यहाँ जो है स्लाइडर लगावागा, यहाँ अन्य चीज जो है बच्चन के खेले के जगह ही, किंतु यहाँ स्थिति अपना का देख के लागत ही हुआ मैदान में हम यह चुनावी चकल्लस कार्यक्रम कह रहे हैं तो लागत है कि हम अपना अपने लड़के का भेजब या आरक्षित है पार्क बनाए खेती जी। स्थानीय विधायक और सांसद से बात की जाई और जब कोनो बात पहुंची तब न बनी है? नहीं तो कब से पहुँचल लागी एक स्लाइडर हम कहा कि दिखाई कैमरा मैन का एठे रखा लागे वह जंग खाए कि खत्म होने वाला है। आखिर जनता ही काहे बात करे, का वो जब वोट मांगे आबत है तो उनका नहीं दिखाई कि एठे यह जगह काहे का आरक्षी थी और एठे का काम हो चाहिए। विधानसभा के चुनाव भा, लोकसभा के चुनाव भा, उससे पहले चुनाव भे, अब नगर पालिका के चुनाव है, फिर को वही यह कही कि हाँ बन जाई, फिर अब अपना अगली बे बैठा वो कहा कि बात की जाए तो का ये सही है। बीच में नगर पालिका अध्यक्ष हमारे पार्टी में रहे, दगाबाजी करके कांग्रेस के चले गए, तो नगर पालिका में कुछ भ्रष्टाचार हो गया, विकास सही ढंग से नहीं हो पावा। बीच में सरकारी प्रतिनिधि अब सुधार हो रहा है, अब जैसे एदार चुनाव हो जी अब पार्टी के अध्यक्ष बैठ जाइ तो अच्छे से काम हुई। भैया ये जो लड़कन के खेले वाला लगा है कब से लगा है ये तो हमको लगा था कि 8-9 साल तक हमें कदे देखे थे। हाँ तो एक बे मान ली दगाबाजी कह दी 13 साल पहले हाँ। 13 साल पहले ये पार्क प्रस्तावित हुआ था और यहाँ सामुदायिक भवन प्रस्तावित हाँ। हुआ था जब शुक्ला जी वो थे और मुन्नू जी वो थे अध्यक्ष थे हाँ। उस समय प्रस्तावित हुआ था ये, उसके बाद पिछले 5-6 साल पहले ये बाड़ी हुआ था कि पार्क इसमें बनना तय है, करीब करीब प्रस्ताव भी आ गया था, इसका शायद बजट भी आ गया था, लेकिन वो बजट गया कहाँ अभी तक किसी को नहीं पता। बजट कहाँ गया ये नहीं पता है, क्योंकि 6 साल में अगर बजट का एक मतलब मुश्किल से 2% यूज हुआ है यहाँ। अरे कम से कम कचरा भरना मचके लोग हाँ। साफ सफाई यदि रखवाए दे नगर पालिका तो या पार्क के काम करिए, जरूरी नहीं है कि वो गार्डन और फूल लग जाए। क्या कहा भैया बारे में पार्क साफ सुथरा नगर पालिका, बीच बीच में गाड़ी आवा थी बीच में साफ रहा, इसमें कुछ परेशानी है कचरा मचिक दे था मोहल्ला के अगल बगल के, बाकी कौनो परेशानी नहीं है। विधायक जी से बात करब, सांसद जी से बात करब, पार्क बनवाऊ तो कब बनी, अब ये चुनाव चुनावी सीजन आ गया है, अब चुनाव के बाद बनी जब नगर पालिका अध्यक्ष पान बैठ जाए पार्टी के है? नहीं मान ले कि अपनों वोटर हैं, ठीक है अपना के वार्ड में एक पार्षद बने राजकुमार पटेल, उनसे कबो यह बात अपना एक मोहल्ला वासी के तौर पर कहन। राजकुमार पटेल कांग्रेस के पार्षद आई ठेकेदारी करत रहे, उनका मानसिकता कबो विकास करे कांग्रेस पार्टी के नहीं रही, यहाँ बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री रहे मंत्री करी विकास। चलिए अब हम अपना से पूछी थे कहे कि समय कम है अपना आयन देरी करें तो गलती अपना के है हमारा नहीं है, तो यह बताई नहीं विकास को करी, विकास को करी, विकास भारतीय जनता पार्टी के सरकार, नरेंद्र मोदी के सरकार, शिवराज सिंह के सरकार, रीति पाठक के सरकार, केदार भैया के सरकार और हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन, ये सब मिल के करी। अपना मोहल्ला क्या है कि अपना भाजपा क्या है मोहल्ला में कौनो विकास, ये रोड बन गई, ये रोड बन गए है सब, यह बताई पाइपलाइन पर गए, पाइपलाइन में पानी नहीं आए, नहीं कब भरे में पानी है, कब भरे में पानी है, कौनो समस्या नहीं आए, जहाँ समस्या है होगा बैठ के समस्या। चलिए ठीक है पंकज भाई, हम बहुत बड़ी बढ़िया बात करी ना, एक ठे थो का चुटकी लेके मन पर अल्लाह है हमारा कि सूरदास से एक जने पूछिन कि यह बताए सूरदास जी कऊ में देखा लागे अपना का, तो वो कहिन कि वो यह कहिन कि हम देखी सावन में आधर भय रहन तो हमका सब हरियर देखात है ना, तब हम पंकज भाई नागा न मानव ये चकल्ला सा है, एठे थो बहुत बनी के हर में चर्चा है, तो मतलब बात यह है कि देखिए यह चकल्लस के कार्यक्रम अपने आखिरी पल में है और यह दौर में यह हम कह सकी थे कि विकास संभावित है, विकास हमेशा गतिशील है, ठीक है सड़क बनी गए बहुत अच्छा है, पाइप बिछ गए बहुत अच्छा है,
किंतु ओकर रख रखाव ओकर इंतजाम बेहद जरूरी है। कौनो सामान खरीद ले और ओकर साइड में मचिक दे तो वह सामान खरीदब बहुत बड़ी बात न हो, ओकर बेहतर इंतजाम कैले वह जो है बेहद जरूरी नहीं हो। सामान कितना महंगा हो बहुत जल्द खराब हो जाता है, तो वह रख रखाव की जिम्मेदारी नगर पालिका का मिला थी, किंतु नगर पालिका वाले और जे जिम्मेदार रहा थे केवल और केवल अपन उल्लू सीध करे में लग जाते हैं। और हालात यह है कि जनता दर बदर भटके का मजबूर रहा थी और सिर्फ कराहत ही था जनता और उनके दर्द में महर मरहम जो लगावे वाला केवल और केवल आपन जो है जेब भरा के काम करे लागत है। तो बात यह ही कि अब जरूरत ही एक युवा चेहरा के जो संकल्प ले गंगा जल ले के तुलसी ले के जाओ कर गीता महाध्याय के कि अब हम यदि यऊ और हर बाढ़ वाले कहिया जो है संकल्प ले बाबे अपने आगे कि वो जो है ये संकल्प ले कि तू हमारे क्षेत्र में काम करबे, नहीं ता हम साल भर माँ यदि असर न दिखाई तो गद्दी छोड़ दे। तो यह में जब हुई तब कहो न कहो एक बेहतर